नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे टाटा स्टील के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों, टाटा स्टील के क्वार्टर टू के परिणाम अभी अभी आ चुके हैं, तो कैसे रहे रिजल्ट्स उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों, हम लोग टाटा स्टील के रिजल्ट की तरफ मूव कर रहे हैं क्विकली। यहाँ पे दोस्तों, रिजल्ट से डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे टाटा स्टील के रिजल्ट्स की तरफ चल रहे हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्या डिविडेंड इन्होंने दिया है, डिविडेंड की कोई न्यूज निकल के आती है कि नहीं। ये भी 6:30 बजे भी दोस्तों अभी बोर्ड मीटिंग कंक्लूड हुई है और दोस्तों सीधे हम लोग चल रहे हैं टाटा स्टील के रिजल्ट्स की तरफ। काफी बड़ी फाइल दोस्तों है, यहां से ये फिगर दोस्तों स्टैंड अलोन है। हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखेंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या रहे टाटा स्टील के। यस दोस्तों, ये कंसोलिडेटेड फिगर्स निकल के आ गए हैं। टोटल इनकम दोस्तों यहां से देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर से जंप देखने को मिल रहा है, वहीं लास्ट ईयर से दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला, लगभग 50% से ज्यादा का जंप लास्ट ईयर से देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर से कह सकते हैं कि 10% के आसपास का जंप है। तो पहला पैरामीटर जो टोटल इनकम था उसमें खरा उतर रहा है टाटा स्टील का शेयर। वहीं दोस्तों दूसरा अगर हम देखें टोटल एक्सपेंसेस के, तो इस बार टोटल एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा हुए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखें तो उसमें भी उछाल देखने को मिल रहा है, लगभग 10% के आसपास का प्रॉफिट जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर कह सकते हैं 500% से ज्यादा का जंप देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सेकंड पैरामीटर पे भी एक्सेलेंट रिजल्ट निकल के आता है। नाउ अब हम लोग यहां से ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों यहां से काफी जंप देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट 12547 की फिगर निकल के आ रही है, जो कि यहां से आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर से बहुत ही बढ़िया और लास्ट ईयर से तो क्या कहने रिजल्ट में, तो लगभग 7 से 8 गुना हो चुका है लास्ट ईयर कंपैरिजन में, और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी 15 से 20% का जंप देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों कह सकते हैं कि रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया आया है टाटा स्टील का। अर्निंग पर शेयर भी इम्प्रूव हो चुके, 99 हो चुके हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर 74 थे और लास्ट ईयर जो कह सकते हैं कि 13 के करीब थे। तो अर्निंग पर शेयर में भी 7 times का जंप देखने को मिला है। ओवरऑल हर सेगमेंट वाइज देखें तो यहाँ पे एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है टाटा स्टील के शेयर में। वहीं पे दोस्तों नेट का कॉन्करेंट एसेट्स की बात करें, टोटल एसेट्स, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों 256940 की फिगर है, जो कि लास्ट ईयर से बेहतर है। तो दोस्तों हर एक पैरामीटर पर टाटा स्टील का रिजल्ट बहुत ही शानदार। अब हम दोस्तों इसकी जरा चार्ट चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें पोटेंशियल है, कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है। डिटेल में दिखाते हैं आपको दोस्तों चार्ट। अगर दोस्तों आप पिछले 1 ईयर को देख रहे हैं तो ये पिछले 1 ईयर का चार्ट है और यहां से हमने इस पर 100 EMA लगा दिया है। तो 100 EMA का जो चार्ट है यहाँ पे 1300 के आसपास, यानी टाटा स्टील का चार्ट 100 EMA के एकदम करीब है और RSI यहाँ पे 45 न्यूट्रल है। अरुण ने तुरंत बुलिश कर दिया है। तो ओवरऑल तीनों ही पैरामीटर RSI, वॉल्यूम और अरुण कर्व पे तीनों पे पॉजिटिव है। 100 EMA अगर आप देखें तो यहीं पे खड़ा हुआ। अब यहां से इस शेयर को मूव करना चाहिए, तो अगर आपको दोस्तों शॉर्ट टर्म नजरिया रखते हैं तो लगभग आपको 1250 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और अपसाइड दोस्तों ये शेयर अब फिर से 1500 के लेवल क्रॉस करने के लिए तैयार है। तो पहले जो टारगेट नजर आएंगे दोस्तों वो होगा हर्डल जो है वो 1425 का, और दूसरा जो टारगेट होगा वो 1520 का होगा। वहीं पे दोस्तों अगर आप लॉन्ग रन में सोचते हैं टाटा स्टील के शेयर को, तो यहां से जो स्टॉप लॉस नजर आता है दोस्तों 1070 का स्टॉप लॉस नजर आता है, और अपसाइड लगभग हम इस शेयर में 1700 से 1800 के भी लेवल देख सकते हैं। रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी दोस्तों टाटा स्टील की एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों।